जी हाँ नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज चैनल। आज आपके लिए एक ऐसी कहानी और ऐसी घटना से रूबरू कराएंगे जिसे आपको सुनकर बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। एक बार क्या होता है, एक गांव में एक व्यक्ति द्वारा खेत में उसके जो बगीचा होता है अमरूद का, ठंड का मौसम होता है और जो आप देखते हैं एक तरह से पहाड़ी जो अमरूद होता है उसे रखाने का काम करता था। और जो गांव के बच्चे थे वो हमेशा यही तलाश करते थे, योजना बनाते थे, ये जो बाग रखाने का काम कर रहा है व्यक्ति, ये किसी तरह से इस बगिया से हटे और हम अमरूद तोड़ लें। मित्रों और साथियों, कई सारे छोटे छोटे बच्चों का गैंग इकट्ठा हो जाता है और वो योजना बनाता है किस तरह से अमरूद तोड़े जाए। कई सारी बच्चों की मेजॉरिटी होती है, उसमें 7-8 लड़के होते हैं, तो कहते हैं कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि अमरूद हमें खाने को मिले। अमरूद भी उस बगिया का बहुत स्वादिष्ट होता है। मित्रों और साथियों, आपको बताता हूं ऐसी घटना क्या होता है। उन बच्चों में से दो बच्चे बोलते हैं, योजना तो हमारे दिमाग में है, अगर उस योजना से आप हम लोग काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो मोटे मोटे अमरूद हैं, जो लाल निकलते हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं, वो हमारे लिए खाने को मिल जाएंगे। बोले बताइए मित्रों और साथियों, काल्पनिक नाम भी उनके मैं आपको बताता हूं। जैसे लाल मुर्गा, हरियल तोता, इस तरह की उन जो मित्र मंडली होती है उनमें नाम होते हैं। बताते हैं भाई बता क्या योजना है। बोले योजना ये है, ठंड का समय है और बगिया रखाने वाला व्यक्ति भी तापने का काम करता है, सुबह को तापते हैं, शाम को भी तापते हैं, तो ऐसा करिए हम सभी लोग शाम को आज इधर ही घूमने को आते हैं और जहां वो व्यक्ति तापते हैं हम भी वहीं तापेंगे, और ऐसा करना मोबाइल भी साथ लेकर जाना, हम मोबाइल से मैसेज करेंगे और तुम हमें मैसेज के माध्यम से ही बताते रहना, या हम व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप से समझाते रहना। मित्रों और साथियों, होता क्या है, मित्र मंडली जो होती है, चार जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उनके पास बैठ जाते हैं, जिनकी बगिया रखाने का जो काम करते हैं, जो बाग होता है अमरूद का उसे रखाने का काम करते हैं, चार आउटसाइड में पहुंच जाते हैं, जो उत्तर से पूर्व से पश्चिम पहुंच जाते हैं। मित्रों और साथियों, चैटिंग चलती है तो बाकायदा व्हाट्सएप पे कि हमसे बातचीत हो रही है, तो बोले अच्छा आप बताइए, वो उन्हें उन बातों में उलझाए रहते हैं। तब तक क्या होता है मित्रों और साथियों, तब तक जो और चार जो मित्र होते हैं वो बहुत सारे अमरूद तोड़ लेते हैं, और तोड़ने के बाद मैसेज करते हैं कि हमने अमरूद तोड़ लिए हैं, अब आप यहां से आ सकते हैं। मित्रों और साथी, वो अमरूद तोड़कर जो दूसरे ग्रुप होता है चार लड़कों का, वो चला जाता है और उन्हीं में से जो चार लड़के होते हैं, जो बगिया रखाने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनको योजना होती है, वो सूत्री जो बम होता है जो दीपावली के अवसर पर छोड़ा जाता है, उसे जेब में रखकर ले जाते हैं, और लास्ट में क्या होता है, सब मैसेज हो जाती है कि हाँ अमरूद तोड़ लिए। वो लास्ट में क्या करते हैं मित्रों और साथियों, एक उनमें से जो लड़का है वो उस जो आग जलती होती जिसे अलाव कहते हैं, उस अलाव में सूत्री जो बम होता है बड़ा वाला, उसे उस आग में रख देते हैं और कहते हैं हम अपने घर चल रहे हैं।
वो क्या होता है, जो बगिया रखाने का काम करते हैं जो उन्हें चलिए ठीक है जाइए घर जाइए, तब तक क्या होता है वो थोड़ी दूर बढ़ते हैं और मित्र और साथी जो सुतली बम होता है आग वो फटाक से उन्हें छूटता है और जो बगिया रखाने का काम करते हैं उनकी यहाँ गए वहाँ गए कपड़े फपड़े सब जल जाते हैं। कैसा लगा मित्रों, ऐसी कहानियों के साथ मैं आपको दोबारा अपडेट रहूंगा। जय हिंद।